मेवात में जिला परिषद चुनाव को लेकर भले ही अभी तारीख तय नहीं हुई हो, लेकिन प्रत्याशियों ने अपनी चहलकदमियों को तेज कर दिया है। ऐसा ही एक नज़ारा गांव झारपुड़ी में देखने को मिला, जहां पर वार्ड 18 के अंतर्गत आने वाले 22 गांव के सरदारी ने भावी प्रत्याशी के तौर पर मैदान में ताल ठोक चुके समाज सेवी फजलुद्दीन को अपना समर्थन तन मन धन से अर्पित कर ये साबित कर दिखाया कि उन्हें इस बार समाज सेवक के तौर पर काम करने वाला प्रत्याशी चाहिए, न कि हवाई फायर करने वाला। कई घंटे तक चले इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक नसीम अहमद ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नसीम अहमद ने कहा कि जिला परिषद के उम्मीदवार फजलुद्दीन झारपुड़ी को जनता ने तो अपना समर्थन दे दिया है, उनका समर्थन भी फजलुद्दीन के साथ है। वहीं उन्होंने कार्यक्रम में पहुंची 22 गाँव की सरदारी से भी फजलुद्दीन का साथ देने के लिए अपील की। देखिए रिपोर्ट। देखिए, हमारे मेवात की और ख़ासकर हमारे अपने इन गांवों की, जो पहाड़ से नीचे गांव, एक हमारी एक कल्चर है, एक सभ्यता है कि हमारा कोई भी निर्णय और डिसीजन होता है तो सबसे विचार विमर्श करके, भाइयों से, हर व्यक्ति से, जिम्मेदारों से मशवरा करके ही कोई निर्णय लिया जाता है। और जब निर्णय कोई मशवरा करके किया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं बरकत भी होती है और उसमें कहीं ना कहीं कामयाबी होती है। आज उसी सिलसिले में सब भाइयों ने आज यहाँ पर झारपड़ी में आकर एक दूसरे से मशवरा किया है और आगे चुनाव की जो सरगर्मी आने वाली है, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है लेकिन जैसे भी वक्त आएगा उसके बारे में विचार विमर्श किया है कि हमें आगे क्या रणनीति बनानी है। तो उसी सिलसिले में यहाँ पर आप सब इकट्ठे हुए हैं। भाई फजलुद्दीन ने यहाँ पर सबको आमंत्रित किया है, उनके सहयोग में सब यहाँ पर आए हैं। तो इसी सिलसिले में आज यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं और आगे उम्मीद होगी जैसा भी चुनाव का माहौल होगा, हम पूरी तरीके से एक साथ एकजुट होकर के हम चुनाव लड़ेंगे और आगे कामयाबी होगी। सियासत के खिलाड़ी आप भी हैं क्योंकि आप पहले भी कई बार विधायक रह चुके हैं, क्या लगता है कि जो समस्याएं यहाँ पर आज बनी हुई हैं उन पे क्या सही तरीके से खरा उतर पाएंगे फजलुद्दीन जी, जो आपने समर्थन नहीं? देखिए, समस्याएं तो जो लोकल कोई भी समस्या है, चाहे बिजली की है, चाहे पानी की है, चाहे रस्तों की है, वो समय समय पर हर व्यक्ति, जैसे चाहे पंचायत का सरपंच है, चाहे इलाके के MLA हैं, चाहे जिला परिषद है, चाहे ब्लॉक समिति है, सब अपने अपने लेवल पर करते हैं लेकिन कुछ समस्याएं फिर भी रह जाती हैं और जो रह गई हैं उनका हमें पूरा विश्वास है, हम भी अपने लेवल पर और जिला परिषद के कैंडिडेट के नाते अब उनकी भी जिम्मेदारी है, ऊपर वाला उनको अगर जिताता है तो उनकी और ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए ये तो समस्याएं अगर कोई भी होगी, आम आदमी की जन समस्या होगी तो उसको बिल्कुल निर्वहन किया जाएगा और उसको दूर किया जाएगा। देखो, हमारे पीरूज में झिरका से 2 बार विधायक रहे था, हमारे विधायक जी सरकार में मंत्री नहीं बन पाए थे, कुछ मजबूरी भी हो जाती हैं। बाकी जो आज का समय हमारे इस वार्ड में भी और इस हलके में भी जो चल रहा है, अभी हमारे विधायक नसीम अहमद जी भी पूरा भर प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, जनता के बीच में काम भी हो रहे हैं। बाकी जो मैंने इरादा किया है ये मैंने जनता के सहयोग से, क्योंकि जो मेरा पब्लिक से जो ग्राउंड था ये मेरा जमीन सतह से लेवल था पब्लिक का, और हमने फिर यही इरादा किया है कि हम विधायक जी के साथ मिलके नहीं, अपने वार्ड और विकास की और हर समस्या का समाधान पर ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह आगे समस्या का समाधान भी कराए जाएंगे और भर प्रयास करेंगे। पानी की है, सड़क की है, कोई रस्तों की है, कोई लाइट की है, अगर मुझसे भी काम नहीं होगा तो मैं आगे भी सिफारिश लगा के नहीं अपने वार्ड का काम करने में भर प्रयास पूरा करूँगा। और मुझे उम्मीद है जिस तरह मुझे जनता ने ये प्यार और सम्मान दिया है और मेरे विधायक जी ने मेरे पास आशीर्वाद दिया है, मुझे इससे बहुत खुशी है और जनता का मुझे पूरा विश्वास है कि मैं चाहे गरीब किसान का बेटा हूँ, बाकी जनता मुझसे पूरी उतरेगी और विधायक जी का पूरा सहयोग रहेगा तो इंशाल्लाह हमें जीत पक्की रहेगी। अल्लाह से और खुदा से दुआ करते हैं, जनता का विश्वास पर पुलिंदा रहता हूँ।